पक्ष विचार, पक्ष विचार में यह है दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष। बनते कैसे हैं ये पृथ्वी है, लंब वृत्ताकार कक्षा में चंद्रमा, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। जब चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल नजदीक होता है 0 डिग्री पर, तो अमावस्या होती है। पक्ष अमावस्या होती है यहां पर। चंद्रमा जब सूर्य से, जब फिर ये अपनी गति पे आगे बढ़ता है, 12 डिग्री आगे बढ़ता है, 12 डिग्री, तो एक तिथि होती है। ऐसे चलेगा, यहां आएगा 180 डिग्री पर, तो 12 डिग्री जब आगे बढ़ के चलेगा, 12 डिग्री जब आगे बढ़ के 180 डिग्री पर, तो यहां पर पूर्णिमा होती है। और ये शुक्ल पक्ष है। फिर यहां से जब यहां चलता है तो अमावस्या होती है। अमावस्या, अमा मतलब पास, वस्या मतलब बसना। ये सूर्य के पास बसता है उस दिन, अमावस्या के दिन। ऐसे करके पक्ष विचार बनते हैं। पक्ष जो है ना, दो पक्ष इस तरह से है। जब सूर्य, चंद्रमा सूर्य से बिल्कुल नजदीक हो, पृथ्वी के बीच में हो, तब जाके यहां पर अमावस्या होता है। फिर जब वो धीरे 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 धीरे, चंद्र की गति सूर्य से बहुत ज्यादा है, कभी कभार तिथि ज्यादा बड़ी हो जाती है और कभी कभार तिथि छोटी हो जाती है, वो भी इसी वजह से कि ये पृथ्वी है और चंद्रमा जब ऐसे चक्कर लगाती है लंब वृत्ताकार में, तो ये 12 डिग्री पे, ये 12 डिग्री पे, और ये जो 12 डिग्री पे जाएगी, यहां से जो जल्दी जाएगी ना, यहां से जो लंब वृत्ताकार गति में उसकी गति बढ़ जाती है, यहां पर जाके जहां लंबाई में जाती है ना वृत्ताकार में, वहां पर उसकी गति बढ़ जाती है। जब गति बढ़ जाने की वजह से वो दूरी जल्दी तय कर लेती है, 12 डिग्री की दूरी जल्दी तय कर लेती है। तो अब आप लोग एक पंचांग ले लो हाथ में, इसके कंटेंट विषय सूची वाले पेज पर चलिए, उसमें विषय सूची संबत 2076 ऐसे करके लिखा होगा, उसमें ये चैत्रादि मास, इसमें राइट साइड में जब आप जाएंगे, राइट साइड में सबसे ऊपर लिखा रहता है अंग्रेजी दिन और महीना, इस साइड में, यहां पर सबसे ऊपर इस साइड में जाएंगे तो अंग्रेजी दिन और महीना लिखा होता है, जो हम लोग समझ जाएंगे, हम हिंदी में जा ही नहीं रहे। इसमें घटी पल वगैरह भी लिखा है, हम उसमें जा ही नहीं रहे। मैं बनाना सिखा देता हूं कैसे उससे घंटा बनता है और क्या होता है, मगर उसमें हम जा ही नहीं रहे। जितने भी हिंदी हिंदी में जो लिखे हुए हैं ना, उसमें हम जा रहे हैं। सबसे नीचे जाइए, 14, आज चतुर्दशी है, हर महीने के आज के दिन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी वाले दिन शिवरात्रि होती है, और माघ में जब ये आए तो उस दिन महाशिवरात्रि होती है। अभी हम तिथि में जो एक पढ़ेंगे ना निश्चित काल, तो उसमें आएगा ये। तिथि की व्याप्ति कैसे निकालते हैं, कितने घंटे की वो तिथि है, ये मैं बताता हूं। आप लोग अपने में देखते जाइएगा, मैं इसमें देख के बता देता हूं। आज चतुर्दशी तिथि है, 14 तिथि है चतुर्दशी, इसमें इसके आगे घटी और पल है, घटी पल को छोड़ दीजिए, 24 और 36 है घंटा मिनट में, 24 घंटा 36 मिनट ये है। उससे पहले आप जाएंगे त्रयोदशी में तो 22 घंटा 19 मिनट है, त्रयोदशी में 22 घंटा 19 मिनट है। अब हम क्या करेंगे, 24 घंटे का तो होता ही है, एक पूरी तिथि होती है 24 घंटे की,
हम 24 में से 22 घंटा 19 मिनट घटा लेंगे। जब भी घटाना हो तो आप इसको 23 करिए और इसको 60 करिए। अभी हो गया ना 23 घंटे 60 मिनट, और इसमें से हम 22 घंटा 19 मिनट घटा लेंगे, तो 41 हो जाएगा सीधा, और ये एक घंटा 41 मिनट पिछले डेट का, और 24 घंटे 36 मिनट इस डेट का, जो यहां तक है ना 24 घंटे 36 मिनट चतुर्दशी में। अब इस एक घंटा 41 मिनट को हम इसमें जोड़ देंगे, एक घंटा 41 मिनट मतलब 7 और 7 और 25, ये अब ये भी एक घंटा हो जाएगा, एक घंटा 17 मिनट हो जाएगा ना ये, तो इसको आप कर दीजिए 26। ये एक घंटा 17 मिनट कैसे हो गया पता है, 77 मिनट है, इसलिए ये 26 घंटे 17 मिनट चतुर्दशी तिथि है। ये यहां पर तिथि कितने घंटे के लिए, इसी तरह से नक्षत्र कितने घंटे तक है, इसके आगे आपको ये भी घंटा मिनट में घटी पल में है, योग कितने घंटे तक है, ये सब ऐसे निकाला जाएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो तरीके से गौर करके देखते रहिए, मुझे पता है हो सकता है समझ में नहीं आया होगा, मगर उसको बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं ना उसमें उसको देखते रहिए, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया तो इधर उधर देखने लगे। मुझे पता होता है कि ये मैं आगे का कुछ बोल गया, मगर जब मैं वहां तक पहुंचूंगा ना तब तक आपके ब्लड में घुल गया रहेगा वो, तो इसलिए जो मैं कर रहा हूं तो उस वो कोई प्रोसेस है, वो प्रोसेस से मैं उसको जा रहा हूं। मैंने कुछ 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 बता दिया, जैसे मैं वहां पर पहुंचूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। तो इसको बोरिंग समझ के या कुछ ऐसा समझ के कि नहीं आया तो कुछ उधर देखने लगे इधर देखने लगे, फिर नहीं आ पाएगा। तिथियां होती हैं 15 शुक्ल पक्ष में 15 और कृष्ण पक्ष में 15, 30 तिथि मिलके एक महीना बनता है, जो मास इससे पहले हम पढ़ रहे थे वो 30 तिथि मिलके एक मास। ठीक, इनके नाम किसी को नहीं पता हो तो अभी अभी बोलते जाइए मेरे साथ, प्रथमा या प्रतिपदा, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस्या। ये तो 15 तिथियां हो गई, और एक अगर कृष्ण पक्ष है तो अमावस्या, और शुक्ल पक्ष है तो पूर्णिमा, ये तिथि होती। एक श्लोक मैंने कहा था याद करने के लिए, तिथिसा वहनिको गौरी गणेशो अहिर गुहो रवि,
शिवो दुर्गांतको विश्वे हरि काम शिव शशि। अब देखिए कैसे है, ये तिथिशा वाहनिको गौरी, इसमें अग्नि और ब्रह्मा, ये एक बार एक श्लोक याद कर लेंगे तो सबके देव याद हो जाएंगे आपको एक श्लोक में। जिन जिन लोगों ने कर लिया होगा वो अच्छा है, जिन जिन लोगों ने नहीं किया होगा वो कर लीजिएगा। और इससे देव से आपको इसका ये भी रहेगा कि इसमें इसकी प्रकृति क्या है, उस देव से मालूम पड़ जाता है इसकी प्रकृति क्या है। ब्रह्मा, अग्नि, ब्रह्म, तिथिशा वाहनिको गौरी, गौरी, सर्प, कार्तिकेय, अहिर गुहो जो है ना, अहि इन सर्प और गुहो कार्तिकेय ये है, रवि सूर्य, शिवो शिव, दुर्गांत को देवी, दुर्गांत को एक तो दुर्गा हो गए और अंत को मीन्स यम, दुर्गांत को विश्वे विश्वदेव, हरि विष्णु, काम कामदेव, शिवा शिव, शशि चंद्रमा। और इसके बाद अमावस्या के होते हैं पितर, ये इसके देव होते हैं। अगर उस श्लोक को आप एक बार भी याद कर लेंगे तो एक बार में ये आपको सीक्वेंस में आ जाएगा इसके देव को याद करना। इसी में तिथियां होती हैं, तिथियां पांच प्रकार की होती हैं, नंदा नंदा भद्रा जया रिक्ता और पूर्णा।